हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स। अगर चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वैसे भी आप कर ही रहेंगे क्योंकि इतनी अच्छी क्लास चलती है, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, और फिर क्या, जैसे हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो क्या उसमें हम क्या बता रहे थे, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट एल्गी एंड सेकंड क्या है हमारा फंगी, एंड थर्ड क्या है सैग। तो आज हम सैग के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा टॉपिक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अगर आप सीटेट यूपीटेट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो है ही। ओके, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है सैग, ठीक है। एल्गी के बारे में आपको बता दिए एंड फंगी के बारे में आपको हम बता दिए। जस्ट आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, सैग है। सैग मीन्स क्या होता है, लाइकिंग, ठीक है। क्या थैलोफाइटा में ही चीजें ये चल रही है, दैट्स क्लियर। ओके, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में हमको क्या देखना है, सैग के बारे में डिस्कशन करना है। सैग मींस क्या होता है, लाइकेंस, इसको क्या बोलते हैं, लाइकेंस, ठीक। जहां तक चीजें आपको क्लियर हुई, लाइकेंस के बारे में बात करेंगे तो पता है क्या, इसमें कवक की भी क्वालिटी पाई जाती है, और क्या एल्गी सैवाल की भी क्वालिटी पाई जाती है। क्या एल्गी और कवक की दोनों क्वालिटी इसमें पाई जाती है, तो पहला तो ये देखेंगे। और पता है क्या कि लाइकेन का फॉर्मेशन होता कैसे है, जब हम क्या एल्गी, ओके, एल्गी प्लस फंगी, जब ये दोनों, इट मींस सैवाल, क्या सैवाल प्लस कवक, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं लाइकेन। क्या लाइकेन बोलते हैं, जब एल्गी एंड कवक, इट मींस एल्गी और फंगी जब आपस में मिल जाते हैं तब इसे क्या बोलते हैं, लाइकेन्स, ठीक है। क्या लाइकेन्स, तो बेसिक सी बात है कि क्या इन दोनों के, अब देखिए हर चीज का रिश्ता होता है, जैसे मेरा रिश्ता मेरे पापा से है, ठीक है, पापा मम्मी जिससे भी है तो वो रिलेशन है ना कुछ, क्या कि मेरे पापा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब एल्गी और कवक आपस में मिलते हैं तो लाइकेन, और इस रिश्ते को क्या कहते हैं, हर रिश्ते का एक नाम होता है। जैसे मैं अपने पापा की बेटी हूँ तो वो क्या मेरा रिश्ता, अपने मेरा रिश्ता क्या है, वो मेरे फादर है। उसी के अकॉर्डिंग जब क्या होता है, सैवाल और कवक जब आपस में मीटअप मिलते हैं तो उसे लाइकेंस कहते हैं, और इनके बीच जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है बात करेंगे, वो रिश्ता क्या कहलाता है, तो सिम्बायोटिक, क्या सिम्बायोटिक, सहजीविता, ठीक है। क्या सहजीविता, अगर रिलेशन की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक, सहजीविका। सहजीविका की बात करेंगे तो सहजीविका मींस क्या होता है, देखिए इसके अंदर दोनों, इट मींस लाइकेंस के अंदर, सैग के अंदर दोनों क्वालिटी है। एल्गी की तरह सैवाल की, सैवाल में क्या होता है कि सैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्यों, क्योंकि यह हरे होते हैं, सनलाइट की वजह से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बट फंगी में क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि क्लास में हम बता चुके हैं, इसलिए ये बेचारे अपना भोजन नहीं बना पाते। तो फिर क्या हुआ, इट मींस अब बात करेंगे रिलेशन की, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता सिम्बायोटिक कहलाता है, सहजीविका कहलाता है। ओके, और फिर क्या देखेंगे कि देखिए ये इसको भोजन देता है, क्या कि एल्गी जो है इसको भोजन देता है, और फंगी क्या करता है, इसे रहने के लिए आवास देता है। क्या रहने के लिए आवास देता है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी एकदम बेसिक से, ठीक है। फिर अब हम बात क्या करेंगे, लाइकेंस जो होते हैं, ठीक है, लाइकेंस होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं,
क्या नीले कलर के होते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्या बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, उससे क्या होता है कि इनका रंग कलर जो है क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या वाइट हो जाता है, सफेद हो जाते हैं। इट मींस मेरे कहने का आशय ये है कि लाइकेन्स जो होते हैं ब्लू होते हैं, बट क्या कि अगर इन पे पोल्यूशन, वो भी कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ तो ये क्या वाइट हो जाते हैं। और पता है आपको कि इसे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि क्या इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन किसे कहा जाता है, क्या इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन लाइकेन्स को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, दैट्स क्लियर। इट मींस वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो लाइकेन्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाइकेन्स। अभी आपको ये समझाना है हमें, सूचक मीन्स होता क्या है। जैसे कि आपके घर में लाइट है, ओके, सभी के घर में है, तो क्या उसमें क्या होता है, एक इंडिकेटर बना होता है। क्या इंडिकेटर, इंडिकेट मीन्स क्या होता है, सूचित करना। सूचित करना क्या, इंडिकेटर ये बताता है कि आपके घर में लाइट है। जो क्या होता है, जब लाइट आ जाती है तो वो क्या जलने लगता है, क्योंकि इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं सूचक, ये एक क्या बताने का काम करता है। उसी प्रकार से क्या कि इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, लाइकेन्स को कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे रेस करके कि क्या हमें बात करना है किसकी कितनी और कौन सी कैटेगरी है। ओके, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, लाइकेन्स की, तो क्या इसमें एक होता है ग्राफिक। ओके, ग्राफिक लाइकेन, ये जो ग्राफिक लाइकेन होता है वो आपको पता होगा ये क्या होता है कि कलर फोन में हमारे क्या होता है, बहुत सारे कलर आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, तो ये ग्राफिक लाइकेन्स की वजह से होते हैं। क्या ग्राफिक लाइकेन्स की वजह से होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्राफिक की, तो ये मेनली हम क्या देखेंगे कि जैसे जितने भी हमको मोबाइल या लैपटॉप में हम कलर की चीजें देखते हैं वो क्या ग्राफिक होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये ग्राफिक ही सिस्टम है जो कि क्या हमें पता होता है, हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्राफिक लाइकेन्स की वजह से होता है। इसके क्या हो जाता है, इसकी वजह से रेड हो जाता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर हो जाता है, इट मीन्स रेड लिटमस। और हम ये भी जानते हैं कि देखिए लिटमस पेपर, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, तो क्या ग्राफिक से बनाया जाता है, ग्राफिक। और सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड जो हमारी लाइकेन है वो क्या है, असीनिया। क्या है, असीनिया। अब असीनिया की बात करेंगे, ठीक है, ये भी एक लाइकेन है, दो कैटेगरी में इसे हम डिवाइड करेंगे। असीनिया एक ऐसी लाइकेन्स है जिससे हम दवा बनाते हैं। क्या असीनिया एक ऐसी लाइकेन्स है जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं। और पता है असीनिया में क्या होता है कि जो असीनिया लाइकेन्स होती है, कौन सी दवा, डिप्थीरिया कहाँ होता है आप लोग को पता होगा, ये हमारे कहाँ होता है, गले के पास सड़न होने लगती है, तो क्या देखेंगे कि डिप्थीरिया, डीपीटी। और आपको बचपन में कौन सा टीका लगता है, ये डीपीटी का टीका लगता है, जिससे जिसमें क्या क्या आता है, तो बात करेंगे डिप्थीरिया, क्या डिप्थीरिया। ओके, एंड सेकेंड क्या देखेंगे, पर्ट्यूसिस। इट मीन्स क्या होता है, ये खांसी, बहुत भयानक खांसी आती है इसमें,
ठीक है, क्या बहुत भयानक खांसी आती है, लोग कुत्ते की जैसे खांसते हैं उसी को क्या बोलते हैं ये। और टी से बात करेंगे टिटनेस, ठीक है, क्या टिटनेस, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? कि असीमिया एक ऐसा लाइकेंस है जिसके थ्रू हम क्या देखेंगे कि दवा बनती है, डीपीटी की दवा बनती है, इट मींस डिप्थीरिया की दवा बनती है। और बचपन में हमें डीपीटी का वैक्सीन लगती है, क्या बचपन में हमें डीपीटी की वैक्सीन लगती है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। अब हम क्या देखेंगे, जस्ट इसे इरेज करके, अब हम क्या देखेंगे कि देखिए चौथा हमारा थैलोफाइटा में क्या सैक हो गया। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है, जीवाणु की, ओके। तो क्या थैलोफाइटा के अंतर्गत ही हम क्या देखेंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत इसका चौथा डिवीजन क्या है, चौथा डिवीजन है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इट मींस क्या जीवाणु, ठीक है, क्या जीवाणु। अगर जीवाणु की बात करेंगे हम तो पता है क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, क्या छोटे छोटे प्लांट होते हैं जीवाणु, ठीक है, जो क्या करते हैं जब किसी उसमें इफेक्टिव करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो जब हमें टीबी होती है पता है, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हमारे लंग्स में जाकर चिपक जाता है, क्या ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हमारे लंग्स में जाकर चिपक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो जीवाणु है, बैक्टीरिया है। यहां तक चीजें समझ में। अब हम ये भी देखते हैं कि पता है क्या कि ये प्रॉफिट भी इनसे मिलता है हमको और लॉस भी हमको मिलता है, क्या कि लाभ भी है और इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। अब हम अगर बात करते हैं, और हाँ बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटीवान लुएनहॉफ, ठीक है, क्या एंटीवान लुएनहॉफ, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या देखेंगे, बैक्टीरिया में ये देखेंगे कि हमको इससे लॉस भी है और क्या फायदा भी है, ठीक है, क्या लॉस भी है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, ठीक है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो भाई बहुत है, लॉस भी बहुत है, ओके। प्रॉफिट की बात करेंगे तो जानते हैं जो एनिमल होते हैं, क्या जानवर जो होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन आंत में ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे वो क्या पाचन कर पाते हैं, क्या एनिमल के इंटेस्टाइन में, जानवर की आंत में, ठीक है, जानवर जानवर की आंत में, जानवर की आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे वह पाचन कर लेते हैं। अब सोचिए इसका प्रॉफिट तो मिला हमें कि जानवर की आंत में क्या होता है कि बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से वह भोजन पचा लेते हैं, ठीक, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कि देखिए और क्या प्रॉफिट इसका क्या है, दूध का दही में जमना। अब बैक्टीरिया ही तो जमा रहा है ना, दूध का दही में जमना कौन से बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और पता है अगर आप लोग दही को माइक्रोस्कोप से लेके देखेंगे, छोटे 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 बैक्टीरिया आपको दिखेंगे, तो आप कसम से दही खाएंगे नहीं, इतना जान लीजिए। बट ऐसा आप, हम लोग हैं भाई, हम मेरा पूरा बायोलॉजी से था, बीएससी में मैंने देखा था, खुद इंटर पे भी मैंने देखा था, तो क्या हुआ दही खाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन वो तो हमारे लिए क्या क्या कि ये हमारे लिए ये प्रॉफिट हुआ, हमारा फायदा हो रहा है ना। अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना होता, क्या दूध का दही में परिवर्तन हो पाता, नहीं हो पाता। तो क्या देखेंगे, दूध का दही में परिवर्तन होना, और कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस दूध का दही में कन्वर्ट करना लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे चमड़ा उद्योग में, ठीक है, चमड़ा उद्योग में बात करेंगे, तो यहाँ भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, चमड़ा उद्योग में बात करेंगे। और अगर हम बात किए किसकी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है,
अगर हम बात करेंगे अब यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट की बात चल रही है अभी भाई, फायदे की ही बात चल रही है, जब नुकसान की बात आएगी तब भी उसे हम देखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट की बात करेंगे, जड़ की बात करेंगे, जो दलहन होती है, दलहन, ठीक है, इट मीन्स दाल वाले जितने भी प्लांट होते हैं, दलहनी प्लांट, ठीक है, उनकी जड़ में राइजोबियम, क्या राइजोबियम, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को, क्या नाइट्रोजन को क्या करता है, इसमें एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो फिक्सेशन, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, इट मींस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से आशय ये है, ठीक है, ये सारी चीजें मैनेज कर देते हैं, ओके। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण से क्या आशय है उसे आप देखिए पहले, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसको हम समझाते हैं आपको, जैसे नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो राइजोबियम करता है, ठीक है, क्या बैक्टीरिया की बात करेंगे, राइजोबियम। जैसे क्यों करता है, पता है क्यों, कि देखिए आप आटा नहीं खा सकते, क्या अगर एग्जांपल की बात करें, आप आटा नहीं खा सकते, लेकिन आटे से बनी हुई रोटी आप आसानी से खा भी लेंगे और वो पच भी जाएगा। तो जस्ट आपको समझने के लिए कि क्या होता है, कि इसमें प्रेजेंट क्या होता है, दलहन की जड़ में प्रेजेंट क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और ये नाइट्रोजन क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण कहलाता है। जिस अब इसको हम आपको समझाने के लिए, इसको मान लीजिए आटा, आटा आप नहीं खा सकते भाई, आटा खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, लेकिन आटे से बनी हुई रोटी आराम से आप खा सकते हैं, दैट्स क्लियर माय पॉइंट, जस्ट आपको समझाने के लिए। देखिए जितना अच्छा आपको समझ में आएगा फनी वे में, उतना अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, क्या ये हुआ नाइट्रोजन, हुआ आटा, और जब ये रोटी में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ कि हम खा लिए। उसी प्रकार से नाइट्रोजन क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि देखो अब बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया की बात किए, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम करता है, ओके। एंड देन फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व काम करता है, क्या कौन सा तत्व हेल्प करता है, तो मॉलिब्डेनम, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कौन सा, क्या कि कौन सा उर्वरक काम करता है, उर्वरक तो एजोला, ठीक, कभी भी क्वेश्चन भाई यहाँ से बना हुआ है, इस पे डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी था। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम तत्व, तो मॉलिब्डेनम, उर्वरक एजोला, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन कौन सा प्लांट दिया था, या फिर कहां से मिला था, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी हाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो एक बैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया है, क्या साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, जो कि क्या O2 पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन किसी से मिली थी, तो वो क्या थैलोफाइटा का फोर्थ, क्या थैलोफाइटा का फोर्थ डिवीजन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया से हमें O2 ऑक्सीजन मिली थी पहली बार पृथ्वी पर, लिख दे रहे हैं, पृथ्वी पर सबसे पहले,
ऑक्सीजन का मिलना किसके थ्रू मिला था? तो क्या साइनोबैक्टीरिया के थ्रू मिला था। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आई होप यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज हम बेसिकली बात किस पे किए, बैक्टीरिया पे। थेलोफाइटा हमारा फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सेग के बाद हमारा एक और बचता है। ठीक है, क्या सेग के बाद हमारा एक और बचता है? बैक्टीरिया भी हो गया। हाँ, वो तो गया। थेलोफाइटा फाइनली कंप्लीट हो गया, सॉरी। ओके, क्या ये थैलोफाइटा हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, आर टाइप के क्वेश्चन, हम सारे यहाँ पे क्लियर करवा दिए, एक एक पॉइंट क्लियर करवा दिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन फिर क्या, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।